चीन से तनाव को लेकर राहुल गांधी के ताबड़तोड़ ट्वीट के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करारा हमला किया है। शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल सेना का मनोबल गिराने और अपमानित करने का काम कर रहे हैं। चौहान ने कहा कि सेना की वीरता पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर शर्म है। राहुल गांधी सेना को हतोत्साहित और अपमानित कर रहे हैं। शिवराज ने कहा कि संकट के समय में भाजपा हमेशा कांग्रेस सरकार के साथ रही है, लेकिन राहुल इस समय भी गंदी राजनीति कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने यहां तक कहा कि राहुल गांधी नेता कहलाने के लायक नहीं हैं। देश हमारी सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले राहुल गांधी को उनके बयान के लिए निशाना साधते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन पर देश को बांटने और सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया। नड्डा ने राहुल से पूछा, क्या यह उस समझौता ज्ञापन का प्रभाव है जिस पर कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हस्ताक्षर किए थे। नड्डा ने ट्वीट करके कहा, पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है, फिर कांग्रेस ने चीन को जमीन सौंप दी। डोकलाम मुद्दे के दौरान राहुल गांधी गुप्त रूप से चीनी दूतावास जाते हैं। महत्वपूर्ण स्थितियों के दौरान राहुल गांधी ने देश को विभाजित करने और सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने की कोशिश की। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ने 2008 में उच्च स्तरीय आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे से परामर्श करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। समझौते पर हस्ताक्षर खुद राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव की हैसियत से कर चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस को अब इस बात पर घेर रही है।